बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू माय चैनल साइमा होम क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों के लिए हम घर में कपकेक कैसे बना सकते हैं। बच्चों को बाहर की चीज़ों से बचाने के लिए हम घर में ही केक बना के दे सकते हैं, जो कि बहुत ही इजीली बन जाता है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो भी आप पतीली में भी बना सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको आइंदा किसी रेसिपी में भी मैं बताऊँगी अपनी। आएंगे कपकेक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा से साइज़ का एक मग लिया है, क्योंकि हम इसको कपकेक मंगा रहे बना रहे हैं, इसलिए हम बड़े से साइज़ का एक मग ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे एक अंडा, अंडे को अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है। अंडे को अच्छी तरह फेंटने के बाद अब इसमें हम डालेंगे, मैंने ये 1 टेबलस्पून दूध और 1 टेबलस्पून ऑयल लेकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोबारा से। अगर चीज़ों की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक हो तो चीज़ हमारी बहुत अच्छी बनती है। ये मैंने 1 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर ले लिया है, इसको अच्छी तरह से फेंट लें। अब इसमें हम, ये मैंने 2 चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी ली है, 2 टेबल स्पून, ये मैं इसमें डाल दूंगी। पिसी हुई चीनी डालने के बाद आपने अच्छी तरह ये देखें इसको फेंट लिया है। अब इसमें हम डालेंगे, ये मैंने इसमें 2 चम्मच मैदे के लिए हैं, इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने 1 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा नहीं लिया, बेकिंग पाउडर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसमें हम ये बस वनीला एसेंट डालेंगे, आपके फ्लेवर के मुताबिक है। अब इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फिर हम इसको ओवन में बेक करेंगे 1 मिनट के लिए। ये आपके 1 मिनट में कपकेक तैयार हो जाएगा, बहुत मज़ेदार सा। व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी मेरी रेसिपी हो या कोई भी रेमेडी हो वो आप तक पहुंच जाए। ये देखिए, अब इसको हम ओवन में रखेंगे और इसको आपने दरमियान में बिल्कुल भी नहीं रखना, आपने इसको साइड पे रखना है। दरमियान में रखने से ये बिल्कुल नहीं पकेगा, साइड पे रखेंगे तो इसको हीट चारों तरफ से मिलेगी। अब इसको हम 1 मिनट के लिए बेक कर देंगे। मैंने 1 मिनट लगा दिया, अब हम इसका इंतज़ार करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, 1 मिनट में हमारा कपकेक बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये कपकेक बनके तैयार हो चुका है। ये मैंने थोड़ी सी ड्रिंकिंग चॉकलेट है जिसको मैंने थोड़ा सा दूध में मिक्स कर लिया है, इसको हम थोड़ा सा और इसके ऊपर डाल लेंगे, इसका फ्लेवर इससे बहुत अच्छा आ जाएगा, मज़ेदार सा। अगर आपके पास नहीं है और आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। ये देखिए व्यूअर्स, ये कितना ज़बरदस्त केक बना है। ये देखें आप, अंदर से बिल्कुल कंप्लीट पक चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको मेरी वीडियोस ज़रूर पसंद आएंगी। पसंद करने का बेहद शुक्रिया, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं आपको और अच्छी और आसान सी रेसिपीज़ बता सकूँ। बेहद शुक्रिया।